hello alaikum. this is jia you are watching my youtube channel life in uk with jia so today i'm going to share the dessert eat dessert which is a almond cake with you let's make it so first come to the ingredients बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेरे खाले इजीली अवेलेबल हैं इसमें सबसे इम्पॉटेंट चीज़ जो है वो है आमंड्स जिनको मैंने सबित भी रखा हुआ है होल आमंड्स और इसके अलावा क्रश करके रखा है और पाउडर फॉर्म में भी बनाया है तीनों तरह से इसमें ऐड होगा और इसके अलावा हनी है बेकिंग पाउडर आमंड एसेंस और खोया है जो मैंने ख़ुद ही प्रिपेयर किया इसके अलावा बटर आप सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनकी मैंने सारी डिटेल क्वांटिटी, एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और वहाँ से आप चेक कर लें इसके अलावा इसमें वन कप वाइट फ्लावर प्लेन फ्लावर और वन कप ही आइसिंग शुगर जाएगी इसमें आइसिंग शुगर डालिएगा और दूसरी वाली नहीं क्योंकि फिर वो अच्छे से मिक्स हो जाता है और बेकिंग में भी इशू नहीं आता तो लेट्स स्टार्ट खोया क्योंकि खोया मैंने घर पे प्रिपेयर किया था और यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होता खोया जो भी मैं चीज़ बनानी होती जिसमें खोया ज़रूरी होता है तो मैं खुद ही बना लेती हूँ अगर आपको चाहिए हो इसकी रेसिपी तो मुझे बताएं कि मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगी अब मिक्सिंग कर लेते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स के सबसे पहले एक कप मैदा और इसमें मैंने बादाम जो आलमंड जो मैंने पाउडर फॉर्म में बना के रखे थे वो ऐड किए और इसके साथ ही बेकिंग पाउडर इसमें बेकिंग सोडा नहीं जाएगा बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करना है और वो डेढ़ टी स्पून वन एंड वन एंड हाफ टी स्पून इसमें जाएगा और बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं डालना इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है और बस इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख लेंगे तो इसके अलावा बाकी सारी रेसिपीज में शेयर करूँगी वन बाय वन जो जो ईद पे बनाया था लेकिन आज सिर्फ डिज़र्ट जो है वो उसको मैं डिटेल में शेयर कर रही हूँ आपके साथ ये पैन मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था ये बेकिंग पैन है उसका केक का और इस तरह से आप भी अच्छे से डेकोरेट कर लें बादाम अपने तरीक़े के साथ और इसमें हाँ थ्री एग्स भी जाएँगे ये और अब बैटर की मिक्सिंग इसमें बटर सबसे पहले डाल के उसको अच्छे से बीटर के साथ ब्लेंड कर लें और आइसिंग शुगर थोड़ी तोर थोड़ी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है मैं बता रही थी आपको कि इसके अलावा मैंने जो अपना ईद मेन्यू है वो आपके साथ शेयर करना था इस दफ़ा सिंपल सी ईद की थी क्योंकि बाहर से कोई गेस्ट वग़ैरह तो आ नहीं सकते थे रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कोविड नाइन्टीन की तो हमने सोचा कि इस दफ़ा रिलैक्स ईद करते हैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाते तो सिंपल रोस्ट बनाया था चिकन रोस्ट और चॉप लैम चॉप्स रोस्ट की थी सैलेड लंच में सैलड और रोस्ट इसके अलावा नान और चपली कबाब बनाए थे रायता था बहुत सिंपल सा लंच था और आ, इवनिंग में भी कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी मैंने और शाम को डिनर में रात को काबली पुलाव बनाया था जो कि बहुत मज़े का बना था इन आई विल शेयर द रेसिपी ऑफ अफ़गानी पुलाव या काबली पुलाव जो भी इसको कह सकते हैं बहुत सिंपल रेसिपी है वो भी आप ट्राई कीजिएगा सो वेरी सुन आई विल अपलोड दैट वीडियो अब इसमें ये सारा कुछ मैंने वन बाय वन कर दिया है खोया भी इसमें डाल के मिक्स कर रही हूँ और साथ में अभी एग एक एक करके इसमें एग डाल के बीट करना है और साथ में ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो अलहदा से रखे थे जिसमें मैदा और ये चीज़ें सारी अभी इसमें हनी ऐड किया है यह आप पे डिपेंड करता है अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है तो आइसिंग शुगर इज़ इनफ़ बस वन कप आइसिंग शुगर इसमें हनी ना ऐड करें वैसे इसमें हनी से ये होता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है और बस ये मैं दो चम्मच जो है हनी ऐड किया था और ये आलमंड एसेंस ये है वन फोर्थ टी स्पून बहुत थोड़ा सा इसमें ऐड करके अच्छे से ब्लेंड करके और ये बैटर रेडी हो जाएगा तो बहुत इन्जॉय किया हमने ईद पे ख़ुद ही अपनी ही फैमिली ने कोई बाहर से मतलब कोई फ्रेंड्स या फैमिली फ्रेंड्स कोई भी नहीं आए और बस हमने ख़ुद ही इन्जॉय किया खाना वाना खाया और बस ये सेकेंड ईद है जो कि हमने घर पे ही इंजॉय किया है फर्स्ट जो फितर थी तब भी घर पे रिस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड थे और इस दफ़ा भी यही इस दफ़ा ये हुआ है कि नमाज पर लिए जा सके अदरवाइज लास्ट ईद पे तो नमाज भी नहीं पढ़ सके थे थैंक्स गॉड कि अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई हैं बैक टू नॉर्मल नाउ तो ये सब कुछ मिक्स करके तो अभी मोल्ड में डालना है और फिर उसके बाद इसको प्री हीटेड ओवन में रखना है 180 डिग्री पे फाइव मिनट के लिए ओवन को प्री हीट करके तो इसमें हाफ़ एन आवर के लिए 180 डिग्री पे रख देना है बेक करें और फिर ये बहुत मज़े का केक बना था यू कैन सी इसका कलर इसकी शाइन बहुत ही खूबसूरत बहुत मज़े का अरोमा था इसका सब ने बहुत लाइक किया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर भी करूँगी और आई होप आपको पसंद आई होगी आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें थैंक यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में नेक्स्ट एपिसोड के साथ थैंक यू अल्लाह हाफिज़